अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे IADC रिक पास का, ये ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 8 है और ये हम पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड जो आपके वर्क प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर, परमानेंट वर्क के अंदर। ये टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस वर्क का। अब कन्फाइंड स्पेस जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझ आनी चाहिए ये क्या चीज़ है। ये यहाँ पे कह रहे नॉट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ऐसी जगह जहाँ पे इंसान नहीं रुक सकता, काम नहीं कर सकता। लेकिन बावजूद इसके कि बहुत दफा वर्क प्लेस के अंदर ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर हर सूरत या मजबूरन काम करना पड़ता है। उसके बाद लिमिटेड एंट्रेंस एंड एग्जिट, या ऐसी जगह जिस जगह पे पहुंचने के और उस जगह से निकलने के जो आपके वसाइल हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आप इसको डिफाइन करें तो बेसिकली एनी कंडीशन आर प्लेस वेयर वी हैव इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन आर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी ऐसी जगह जहां पर हमें जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है या जरूरत से कम ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हम उसको डेफिशिएंसी, उसको हम ऐसी सूरत में जब कम है तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, और ओवरऑल इस प्लेस या कंडीशन को हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। अगर इसके दूसरे हिस्से की जानिब देखा जाए तो वो इसको लेके जाता है कि एनी स्पेस और कंडीशन इन विच वी हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस, जहां से दाखले और खुरूज के जो रास्ते हैं वो हमारे लिए, हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। आगे चलते हैं। कन्फाइंड स्पेस के जो हैजर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एटमोस्फेरिक हैजर्ड्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन फ्लेमेबल टॉक्सिसिटी, मतलब एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन है या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है। फ्लेमेबल है, ऐसी जगह जहां पे शोला बहुत जल्दी जल सकता है, और टॉक्सिसिटी जहां पे जहरीली गैसें वगैरह मौजूद हैं। मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं, नॉइज हो सकता है, उसके अलावा टेम्परेचर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कन्फाइंड स्पेस में उतरे हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके अलावा मूविंग मटेरियल्स हैं, उसके अंदर विजिबिलिटी इशू होता है कि जब गैसेस या ऐसी चीज़ें हो जाएं, या कई दफ़ा आप पीपी ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ विजिबिलिटी के ऊपर इशू बनता है। और बायोलॉजिकल, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ट्रेंच हैं, सिलॉस हैं, मतलब मोर्चे वगैरह सारे, वहाँ पर बायोलॉजिकल इश्यूज वगैरह भी होते हैं जिसकी वजह से वायरसेस या बैक्टीरियाज वगैरह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस वर्क में आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इसके अंदर एक एंट्री सुपरवाइजर होगा जिसके बगैर आप, जिसके परमिट टू वर्क दिए बगैर, जिसके अलाउ किए बगैर आप कन्फाइंड स्पेस में काम के लिए नहीं दाखिल हो सकते। दूसरा ऑथोराइज अटेंडेंट होगा, इसको कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट भी बोलते हैं। ये जितनी देर एक्टिविटी होती रहेगी कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा रहेगा और मेक श्योर करेगा चीजें अंडर कंट्रोल हैं। ऑथराइज एंट्रेंस वही लोग होंगे जिनको अलाउ किया जाएगा कि वो इस वर्क प्लेस, इस कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होके काम को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एंट्री सुपरवाइजर, ऑथराइज अटेंडेंट और ऑथराइज एंट्रेंस के अलावा कोई भी बंदा कन्फाइंड स्पेस ऑफ वर्क में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। अब एंट्री प्रोसीजर क्या है? एक कन्फाइंड स्पेस ऑफ वर्क में आपने दाखिल होना है, काम करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर नंबर वन, गेन परमिट। सबसे पहले तो आप परमिट टू वर्क रिसीव करें ऑथराइज पर्सनल से। सुपरवाइजर साइंस परमिट, सुपरवाइजर क्योंकि रिसिप्ट करता है तो वो बेसिकली उसको साइन करेगा कि मैंने ये परमिट रिसीव कर लिया और अब हम इसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। परमिट अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, के काम के दौरान परमिट उसकी एक कॉपी होती है। बेसिकली परमिट टू वर्क का रूल है, ये ट्रिप्लीकेट कॉपी में होता है। जो कॉपी आपके पास है वो कॉपी हर वक्त आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि किसी भी लम्हे अगर पूछा जाए तो आपको वो दिखा सकें कि आप ये एक्टिविटी कितनी देर के लिए कर रहे हैं,
किस वक्त से किस वक्त के लिए कर रहे हैं और कब से कब तक ये आपको अलाउ कर रही है। परमिट ड्यूरेशन कितनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, परमिट ड्यूरेशन में इस बात का ख्याल रखना है कि जो ड्यूरेशन लिखी है आप उसके अंदर रहकर काम परफॉर्म करेंगे, और कभी भी टाइम बढ़ाने की सूरत में आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे उसी प्रोसीजर से जिस तरह इशू कराया, कभी भी इसको टेम्पर करके आप टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते। सुपरवाइजर टर्मिनेट परमिट, जब काम हो जाएगा तो सुपरवाइजर उसको कैंसिल कर देगा, क्लियर कर देगा, देन प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड। और इसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स हमें आए हैं काम के दौरान तो वो हम डिस्कस करेंगे ताकि अगली बार उन चीजों को परमिट वर्क देते हुए एड्रेस किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेफ रह के महफूज रह के हम कोई भी एक्टिविटी कन्फाइंड स्पेस ऑफ वर्क में परफॉर्म कर सकें। ट्रेनिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स की देनी है कि क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ हैजर्ड डिटेक्शन, हैजर्ड आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन, और फिर जो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई होंगे उनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेट होंगे कहां से कहां तक सुपरवाइजर, वर्क प्लेस सुपरवाइजर से लेके जो ऑथराइज एंट्रेंट्स होंगे उन तक पूरी मुकम्मल उनके पास अवेयरनेस होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उसी सूरत में वो ये काम करेंगे। रेस्क्यू, और बावजूद इसके कि तमाम तरह चीजें आइडेंटिफाई होने के बाद प्रिकॉशंस भी ली गई, लेकिन इमरजेंसी या एक्सीडेंट का खतरा या खदशा अपनी जगह पे मौजूद है। तो फिर इमरजेंसी के नतीजे में आपने उस जगह को रेस्क्यू करना है, आपके पास इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर जो है वहां पे लाजमन मौजूद होने चाहिए। इसके बाद जी कन्फाइंड स्पेस ऑफ वर्क के बाद जिस जगह पे आपको सेम अरेंजमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, मतलब सेम अरेंजमेंट से मुराद ये है कि स्पेशलाइज्ड वर्क प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ सकते हैं या परमिट टू वर्क सिस्टम देखना पड़ सकता है, तो ऐसी जगहों में वर्किंग एट हाइट भी है। और स्टैंडर्ड कहता है कि आप चाहे तो सतह जमीन के नीचे या चाहे तो सतह जमीन के ऊपर है, मतलब आप ग्राउंड लेवल पे हैं या किसी आप एक्सक्वेशन में काम कर रहे हैं, जैसे ही आप 1.5 मीटर तकरीबन 5 फुट की हाइट पे पहुंचते हैं तो आपका वर्किंग एट हाइट का लेवल स्टार्ट हो जाता है, या हम उसको वर्किंग एट हाइट कंसिडर करेंगे। तो वहां पे भी सेम है, पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या है, मेथड्स ऑफ हैजर्ड डिटेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और आप उस जगह पे रेस्क्यू कैसे हो सकता है। हॉइस्टिंग एंड लिफ्टिंग, हॉइस्टिंग एंड लिफ्टिंग, लिफ्टिंग तो नाम से जाहिर हो गया कि कुछ उठाने का नाम है, तो हॉइस्टिंग होता है बेसिकली किसी भी चीज को हेल्प के जरिए, फॉर एग्जाम्पल हॉइस्ट ट्रॉलीज डॉलीज यूज करके आप किसी भी चीज को पुश पुल मैनुअली भी कर सकते हैं, और ये ट्रॉलीज डॉलीज ये हॉइस्ट जो है ये मैकेनिकल भी हो सकते हैं, ये आपके मैनुअल भी हो सकते हैं और पावर ड्रिवन भी हो सकते हैं। इनकी मदद से आप किसी भी चीज को उठाने उतारने में ये आपको मावन साबित होते हैं, इवन कई दफा कैरी करके ले जाने पे भी मावन साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं। मतलब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे अगर आपने वहां पर किसी भी पार्ट्स को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी टूल्स को अगर आपने उठा के कैरी करके लेके जाना है तो बेहतर यह है कि आप हॉइस्ट यूज करें, लिफ्ट यूज करें। इवन टेम्प्रेरी लिफ्ट्स भी वर्कप्लेसेस के ऊपर मौजूद होती हैं जो इंसानों को के साथ साथ इक्विपमेंट को भी उठाने की सलाहियत रखती हैं। तो प्लानिंग करनी होती है, हॉइस्ट एंड लिफ्टिंग एक बड़ा क्रिटिकल जॉब है, एक बड़ा टेक्निकल जॉब है। इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर ये प्रॉपरली लिफ्ट ना हुआ, लोड तो क्लैप्स होगा ही होगा, कई दफा वो व्हीकल, वो टूल, वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी जो यूज हो रही होती है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, और इसकी वजह से आपकी वर्क प्लेस के ऊपर काफी बड़ा एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो सबसे पहले आपने जब प्लानिंग करनी है हॉस्टिंग एंड लिफ्टिंग की, तो लिफ्ट प्लान बनेगा। लिफ्ट प्लान में आप डिसाइड करते हैं कि कितना लोड आपने कैरी करना है, आपकी मशीन की, इक्विपमेंट की, आपकी हॉइस्ट की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है, और फिर उसके अलावा जो हम मजीद चीजें देखेंगे उसमें एयर प्रेशर कितना है, अगर आपने बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाना है लोड की वैल्यू क्या है उस टाइम पे, एयर प्रेशर कितना है उस टाइम पे,
इन्वायरमेंट कंडीशंस कैसी हैं, ये तमाम तर चीज़ें लिफ्ट प्लान के अंदर शामिल होंगी। फिर आता है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, और इसी तरह इस लिफ्ट प्लान के अंदर इस लोडिंग लिफ्टिंग या लोवरिंग के दौरान क्या क्या हैज़र्ड्स हमें आ सकते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट करने का पर्पज़ ये होगा कि जो इक्विपमेंट एंड पर्सनल इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हम हॉइस्ट और लिफ्टिंग की मदद से ऐसी एक्टिविटीज के दौरान उनको महफूज रख के ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। उसके बाद कंट्रोल, वन पर्सन इंचार्ज, कि एक ही पर्सन डिसाइड करेगा कि हमने क्या करना है। अगर एक से ज्यादा रहेंगी उसमें क्या होगा कि कोई भी काम लिफ्टिंग का या हॉइस्टिंग का प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। रिव्यू लिफ्ट प्लान एक बार आप देखें जरूर, ये नहीं कि बना लिया तो क्या, जिस टाइम पे आप परफॉर्म करने लगे हैं तो आप देखें उस टाइम पे क्या सिचुएशन है वर्क प्लेस की, उसके अकॉर्डिंगली आप रिव्यू भी ले सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स ऑथोराइज पर्सन के बगैर मुमकिन नहीं होंगी, आप वो सुपरवाइजर या ऑथोराइज पर्सन को लाजमी बताएंगे। कम्युनिकेट करेंगे जो जो चीजें हैं, जितना एरिया क्लियर करवाना है, जितने एरिया में आपकी वर्क प्लेस के अंदर ये एक्टिविटी होने जा रही है वो एरिया आप क्लियर करवाएंगे, इररेलेवेंट अनऑथराइज एक्सेस को एरिया जो बैरिकेटेड एरिया उससे दूर रखेंगे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई, कीप पर्सनल क्लियर ऑफ अवर लोड अवर हेड लोड्स। अब वो जो पर्सनल होंगे, मुलाजमीन होंगे आगे पीछे, आपने उनके ऊपर से कैरी नहीं करना, मैं यही बात बता रहा हूं कि आपने उस वर्क प्लेस को क्या करना है, आपने उस वर्क प्लेस को सेव कर देना है ताकि कभी भी लोड उठाते हुए ऐसा ना हो कि वर्कर या इवन लेबर जो हेल्प कर रही है लिफ्टिंग ऑपरेशंस में, जो रिगिंग में हेल्प कर रही है, वहीं उसके नीचे आके किसी एक्सीडेंट या कैजुअलिटी का सबब ना बन जाए। आगे जी हमारे पास आता है कि पर्सनल हॉइस्टिंग। पर्सनल हॉइस्टिंग ये होता है कि कई जगहों पे आप कई वर्क प्लेसेस पे देखेंगे, खासकर ये आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर और कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सबसे ज्यादा है कि जो मुलाजमीन होते हैं इवन उनको भी ऊपर नीचे ले जाने के लिए अब हर जगह पे ना तो स्टेयर्स मौजूद होती हैं ना लैडर्स मौजूद होती हैं, तो वहां पर हॉइस्ट मैन जो मैन हॉइस्ट यूज होते हैं, मैन लिफ्ट यूज होती है, लाजमी नहीं कि वो परमानेंट हो बल्कि टेम्पररी बनाई जाती है ताकि आसानी हो इंसानों को या वर्कर्स को ऊपर नीचे ले जाने में। क्रिटिकल लिफ्ट है क्योंकि अगर इस सूरत में अगर थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो आपकी किसी वर्कर की भी जान जा सकती है। पर्सनल प्लेटफॉर्म, फॉल प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए क्योंकि ये लिफ्ट प्रॉपर ये जो हॉस्पिटल्स या घर हॉस्पिटल्स प्लाजा या किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर में जिससे होती है इस तरह नहीं होती है, बल्कि ये ओपन लिफ्ट होती है जिसकी मोस्टली साइड्स जो हैं वो विदाउट एनी गार्ड रेल होती हैं, तो ऐसी सूरत में फॉल प्रोटेक्शन मतलब आपकी सेफ्टी हार्नेस वगैरह एंकर पॉइंट रेंचेस वगैरह वो लगे हुए हों ताकि आपको किसी भी सूरत गिरने का खदशा ना हो। लैंडयार्ड हुक, ये लैंडयार्ड वगैरह लगे हुए हों हुक्ड हों ताकि अगर आप उसमें से किसी भी वजह से बाहर आ जाते हैं, फिसल के बाहर आ जाते हैं, गलती से बाहर आ जाते हैं, किसी जर्क के नतीजे में बाहर आ जाते हैं, तो कम से कम अगर आप उसके साथ हुक्ड होंगे तो ऐसी सूरत में किसी आप गिरेंगे नहीं तो हर इंजरी से आप महफूज रहेंगे। नो लोड लिफ्टेड विद पर्सनल, और आप कभी भी जब भी मैन लिफ्ट पर्सनल हॉइस्टिंग कर रहे होंगे, पर्सनल लिफ्ट में होंगे, तो उस दौरान आप इक्विपमेंट साथ में कैरी नहीं करेंगे। माइट बी पॉसिबिलिटी है उस इक्विपमेंट के बर्डन की वजह से, उसके लोड की वजह से आपकी पूरी लिफ्ट क्रैश कर जाए और इंडिविजुअल्स को पर्सनल को नुकसान पहुंचे। इस टॉपिक तक इतना ही, अगले IADC रिक पास के टॉपिक फायर सेफ्टी के हवाले से बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।